तो यार मैं खाली बैठकर अपनी नई वीडियो के लिए टॉपिक सोच रहा था कि किस पे बनाऊं इस पे बनाऊं, नहीं यार इस पे नहीं, उस पे भी नहीं यार। तभी अचानक से मेरे पास फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आती है, चलती ट्रेन के ऊपर चढ़कर मुठ मारने वाला अमन। चलती ट्रेन पर रजनीकांत का बेटा है क्या ये साला? जरूर रोबोट मूवी देख के इंस्पायर हुआ होगा ये करने के लिए। जल्दी चल के लास्ट वाले डिब्बे पे खड़े होकर हिलाऊंगा। आज हम फिर से कुछ फेसबुक के चिलकोजों पर नजर डालेंगे और उनकी बकैतियां नापेंगे। हाँ भाई, सबसे पहले तो ये बताओ, ये 2020 में भी डीवी बैटल कौन कर रहा है? कर रहा तो कर रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये मैसेजेस में आके कि भाई इस पोस्ट पे जाके ए या बी कमेंट कर दे, ये कौन सा तरीका है बे? शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? सो गाइस, वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ फेसबुक के हीरोज। आज मैं ओवर एक्टिंग थोड़ी कम करूंगा और एडिट भी। लास्ट टाइम कमेंट आए थे, इतनी ज्यादा एडिट मत किया कर। ओके, नहीं करूंगा। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गए। He look like my father, but he is my neighbor. गोलमाल है भाई सब, गोलमाल है। बात की गहराई समझो दोस्तों। अरे भैया प्रियेश झा टू पापा ये तुम्हारे रियल वाले मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। पति भोज में, लुगाई मौज में। नहीं, इस कहानी का कोई लेना देना नहीं है। देखो दोस्तों, इट्स हर चॉइस, ऐसे हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते, इनका पर्सनल फैमिली मैटर है, इन्हें सुलझाने दो। बाकी भैया प्रियेश झा पापा अंकल का खर्चा कराते रहे करो, टाइम टू टाइम तुम्हारा हक बनता है। सब भोज में वफा होते हैं। अरे तो बोला किसने सबको ट्राई करने को? अबे जिसे देखो वो यही बोलता रहता है, सब लड़के एक से होते हैं। तुम्हें बड़ा पता है सबका, ऑल मेंस आर डॉग। अंकल देख लो तुम्हारी लड़की तुम्हें कुत्ता बुला रही। अरे सब एक से नहीं होते हैं यार, अब अमन की रुचि ट्रेन पे चढ़ के हिलाने में है तो सबकी थोड़ी ना होगी। मेरे बेस्ट फ्रेंड संजू बजाज की डेथ हुए आज 2 साल हो गए। संजू बजाज, मैं जिंदा हूँ अभी? कभी कभी तो लगता है कि जैसे वो मुझसे बात कर रहा है। अद्भुत पक्चोदी बहन, संजू बजाज को जीते जी मार दिया। बताओ यार, दुनिया में एक दोस्त नामी जी भी ऐसा है जो तुम्हारी जरूरत पड़ने में अपनी जान से खेल जाएगा, और अगर बकचोदी में आ गया तो तुम्हारे चूतड़ों पे डंडे भी पेल जाएगा। मेरा बेटा मेरी शान है, मेरे संस्कारों की पहचान है, मेरी परछाई मेरा अभिमान है। Parents, I and my wife first time traveling in helicopter. अगर तुम दोनों का हो गया हो तो हेलीकॉप्टर चला लो, नीचे आके बैठ जाओ सीट पर। अरे यार जानू, मतलब हनीमून पे कौन लेके आता पूरियों के साथ अचार रख के खाने के लिए? पहले अचार खाएंगे फिर विचार बनाएंगे ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे आके बैठ जाओ सीट पे, हेलीकॉप्टर चला दूंगा नहीं तो। भाई तूने अलग दिमाग खराब कर रखा, चला ना जा, चला ले हटा। हेलीकॉप्टर नहीं, ऑन द हेलीकॉप्टर लिखना चाहिए था, और फर्स्ट टाइम की जगह लास्ट टाइम लिखा होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता। और साला वाईफाई, वाइफ को वाईफाई बना दिया यार तूने। चल बना दिया तो कोई नहीं, लेकिन वाईफाई का पासवर्ड प्राइवेट रखना, किसी को देना मत, मोहल्ले वाले बहुत रामी होते हैं, सारा डेटा चूस जाएंगे। हाई स्पीड डेटा सारा मोहल्ले वाले यूज कर लेंगे तो 2G डेटा चलाता रह जाएगा। देखो भाई हुआ क्या होगा ना, भाई ने नया फोटोशॉप चलाना सीखा होगा, अब इतनी एडिट आती नहीं होगी कि हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा दूं। अब वैसे भी छोटी खिड़कियां तो मजा नहीं आता, बढ़िया करके दिखते नहीं, तो भाई ने सोचा हम भयंकर हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी पकड़े होंगे एकदम राजा बन के। मुर्गी चोर सना उल्हा द हैंड स्नैचर। बा भाई बहुत खूब, साले ने कवर फोटो तक मुर्गियों की लगा रखी है सारी। आज तुम्हें याद, हमने फेसबुक के एपिसोड 4 में एक बंदे की बात की थी, ये इसका बाप मुर्गी चोद है ये। मैं बता रहा हूँ इसके पिताजी को कोई रोक लो, ना जाने अब तक कितनी मुर्गियों के साथ चक्कर चल चुका होगा। इसके जैसे पता नहीं कितने मानव अंडे के अंदर होंगे अभी। मैं तो अंडे खाऊंगा नहीं, अच्छा कहीं फोड़ा लौंडा निकल गया उसमें तो। हाँ तो ये उसका छोटा भाई है, ये मुर्गी चुरा चुरा के लाके अपने पापा को देता है, और इसके पिताजी।
हैंडसम इतना हूँ कि सिस्टर बोले भैया फक मी। अरे बाहिंचो, रियल बाहिंचो इन द हाउस गाइस। हद होती है वे। इन अ रिलेशनशिप विद आरोही रॉय। मुबारक हो तुमको। हाँ भाई यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। नो चन्ना मेरे या मेरे या चन्ना। अरे लाला राली बेइज्जती। कोई नहीं कोने में जाकर रोले चुपचाप, अब जा। अरे भैया ये तो फिर भी एक बार को सहा जा सकता है, लेकिन उन लॉन्डों का तो अलग ही स्वैग होता है जो एक और फेक आईडी लड़की के नाम से बना के फिर अपनी आईडी से स्टेटस लगाते हैं रिलेशनशिप विद दिस फेक आईडी को टैग करके। सालो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें, खोलते तेल में छोड़ दिया जाएगा जैसी तुम्हारी हरकतें हैं। देखती ही रहोगी या फिर नंबर भी दोगी? पहले मैं दूंगी। छोटा डॉल लग रहा सकल से ये। देखो जरा सही से देखो। और अगर देख रही है तो इसका ये मतलब नहीं है वो तुम में इंटरेस्टेड है। भैया हो सकता है तुम्हारी हरकतें गीदड़ की गांड से भी बुरी हो, इसलिए लोग तुम्हें टेंशन दे रहे हो, समझ रहे हो। तो बस ये एपिसोड हम इधर ही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और एम में एम नहीं रख रहे भैया ना, पिछली वीडियो में हमने बेइज्जती करा ली, हमारा मन भर गया अभी। बाय। वीडियो शेयर जरूर कर देना फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह इन जैसे लॉन्डो को तो खासकर। ठीक, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक इंस्टा सब दिया है, फॉलो कर लो। ठीक।